आपमनिषम मुनिहंस सेव्यम सनमान साली परिपीत पराग पुण्यम कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भ्रंग संगिनौ गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिय राम के हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जन जनक राजेश के हे प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी
मातृशक्ति संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन में प्रथम दिन के जो मुख्य यजमान जन जो फरीदाबाद शहर से पधारे हैं, हमारे श्री राजेश नंदन जी, जिनकी भावमयी उपस्थिति से, उनकी श्रद्धा भावना से हम लोग अभी परिचित हो रहे थे, आप सभी के प्रति श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि पर उपस्थित होकर मैं भगवत भाव से आप सबको नमन करता हूं। अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ, उनका मधुर मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को मिला। हमारे श्री शिवानंद जी महाराज बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, हमारे विद्वनीय हमारे वंदनीय विद्वत वृंद ब्राह्मण वृंद विराजमान हैं, इन सबका अभिनंदन वंदन। ऐसा समाचार मिला है कुछ ही क्षण में अनंत श्री संपन्न श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज श्री श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का पदार्पण होगा, उनका भी हम लोग दर्शन करेंगे। पर उसके पूर्व भगवान की इस मंगलमयी कथा में भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण किया जाए। मैं उन सबको भी साधुवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जिन्होंने सहयोग किया, और हमारे संस्कार परिवार की ओर से जो सज्जन पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सब से निवेदन कि संस्कार के इन भाइयों के लिए आप लोग भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बोले, फिर श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन लाभ प्राप्त करेंगे। तब तक पूज्यपाद महाराज श्री का आगमन होगा नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 अशरण शरण दया के धाम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा आपका राम मुझे भरोसा आपका राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में धाम ठाम अंजनी कुमार की संभाल है मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की भुलसी के लाल की कलम को कमाल है श्री तुलसीदास जी महाराज की जय भव सागर राम
कथा पाका दृढ़ नाबा हे जय भवसागर संत शेखर कलिपावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो संसार समुद्र से पार जाना चाहता है श्री राम कथा उसके लिए दृढ़ नौका के समान है। संसार को समुद्र की उपमा दी गई है, शायद इसलिए कि संसार और समुद्र में कुछ अर्थों में साम्य है। समुद्र का एक तट दिखाई देता है, दूसरा तट नहीं दिखाई देता है, पर यह तट सिद्ध करता है कि जब यह तट है तो दूसरा तट भी होगा। इसी तरह संसार में भी जन्म का तट तो दिखाई देता है पर मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। पर जन्म है तो मृत्यु भी होगी ही। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपदान देता सुदृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाशमय बुझ जाता है जलने वाला, बनकर मिटना विधि विधान है नहीं कभी भी यह टलता है, दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुत सेवा ही सच्चा साधन है, परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है, प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। निश्चित रूप से जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जन्म तो हो गया, अब मृत्यु शुरू है। जन्म का तट हमें दिखाई देता, मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता।
और समुद्र में एक तट दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। और दूसरी समता यह है कि समुद्र कभी शांत नहीं रहता, उसकी लहरें ऊपर उठती गिरती रहती हैं, कभी उसकी लहरें अनुकूलता का आकाश छूती हैं और कभी उसी समुद्र की लहरें प्रतिकूलता के पाताल में जाती हैं। संसार में भी एक जैसा नहीं रहता है, कभी हमारे जीवन में अनुकूलता की उत्ताल तरंगें आकाश चूमती हैं, कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां पतन के पाताल में पहुंचा देती हैं। तो जैसे समुद्र कभी एक जैसा नहीं रहता, संसार भी कभी एक जैसा नहीं रहता। और फिर समुद्र का जो उतार चढ़ाव है वह चंद्रमा से है। पूर्ण चंद्र हो जाए तो समुद्र में ज्वार आ जाता है। और मुझे लगता है कि संसार में भी सारे उतार चढ़ाव मन से हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का हेतु है। और चंद्रमा मन का देवता है, चंद्रमा मनुषो जातः। तो जैसे समुद्र चंद्रमा के द्वारा संचालित होता है, चंद्रमा की क्रिया की प्रतिक्रिया समुद्र पर होती है, इसी तरह मन की क्रिया की प्रतिक्रिया संसार पर होती है। और फिर एक अंतिम बात तो बड़ी अद्भुत है, समुद्र का जल जैसा निर्मल दिखाई देता है, समुज्ज्वल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं होता। समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं होता। निर्मल जल भी पान करने पर खारापन का स्वाद मिलता है। और संसार भी ऐसा ही है, जैसा यह दिखाई देता है अनुभव में वैसा नहीं है। इसीलिए भव, संसार का नाम है भव। और भव से कौन बचावे? भव से बचाता है भाव। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुट पान। भाव के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देता है। पानी के तेज गुमानिन को, पल में यह पानी उतारत पानी। भाव में डुबाकर भाव से पार कर देना, यही श्री राम कथा का मधुर फल है। इसीलिए कहा गया भवसागर जय पार, पार जो पावा भव सागर जय पार। भव सागर जय पार,
कथा ताका दृढ़ नावाच पा भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को पाने के दो ही उपाय हैं, या तो हम संसार से ऊपर उठ जाएं, या तो हम संसार से ऊपर उठ जाएं तो भगवान हमें हृदय से लगा लेते हैं। भगवान एक छत पर खड़े थे, दीवाल के सहारे सीढ़ी लगी थी, भक्तों को निमंत्रण देते थे, आओ इस सीढ़ी से ऊपर उठो, मुझसे मिल जाओ। ये साधना की सीढ़ी है, इसमें दो पाए लगे हैं, नाम और रूप। मानो भगवान कहते हैं कि तुम नाम रूप छोड़ो, मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। लोग चढ़ते नाम रूप से ऊपर, उठते परमात्मा से मिलकर एक होते। पर एक भक्त ने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए ही है, नीचे उतरने के लिए नहीं है? भगवान ने कहा कि नहीं, नीचे उतरने के लिए भी है। तो प्रभु, हम इस सीढ़ी से ऊपर उठें तो आप ही कृपा करके इस सीढ़ी से नीचे आ जाइए। भगवान ने कहा तो हम आते हैं। तो जीव जिस नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति करता था, करुणा के कारण उन्हीं भगवान ने उसी नाम रूप का आश्रय लेकर संसार में अवतार लेना आरंभ किया। भगवान संसार बन गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि संसार के रूप में भगवान हमारे जीवन में आ जाएं, तो संसार से जो आसक्ति है वही भगवान से जुड़ने पर भक्ति बन जाती है। संसार से हम जुड़ते हैं आसक्ति के कारण, और भगवान से हम जुड़ते हैं भक्ति के कारण। भगवान के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ है। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पद्यो है, प्रभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदा, भज मन राम चरण सुखदा, राम चरण सुखदाई, राम राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
देखो श्री गंगा जी की धारा भक्ति की धारा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। गंगा जी भक्ति की धारा है और भक्ति की धारा का संबंध भगवान के चरणों से है। जिस धारा का संबंध भगवान के चरणों से हो उसे भक्ति की धारा समझना चाहिए। और ये भक्ति की धारा बहती कहां से हम सभी लोग जानते हैं। यह धारा हरिद्वार से निकलती है। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे 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 धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अब आप विचार करना, गंगा जी का संबंध है हरिद्वार से और गंगा जी का जन्म है भगवान के चरणों से। भक्ति की धारा वह जो भगवान के चरणों से प्रकट हो और हरि के द्वार से को छू कर जाए। जो हरि के द्वार से जुड़ी हो वो भक्ति की धारा है और जो घर द्वार से जुड़ी हो वो आसक्ति की धारा है। धाराएं दोनों ही हैं, एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है और एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है। तो संसार सागर में जो फंसे हुए हैं और पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। अच्छा, नौका की एक विशेषता है, यह पानी में तो रहती है पर पानी इसके भीतर नहीं रहता है। अब पानी अगर इसके भीतर रहे तो नौका पानी से पार नहीं कर सकती, पानी में ही डूबेगी और डुबाएगी भी। तो भगवान श्री राम की कथा ऐसी नौका है जो जगत के जल में तो रहती है पर जगत का जल उसमें नहीं रहता। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति है संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज की। वे वंदना आरंभ करते हुए कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदना की गई वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, अक्षरों के समूह को, अर्थ के समूह को, छंद के समूह को जो रसमय कर दे। पर यहां बड़ी अद्भुत बात कही, श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर यहां गणेश जी का प्रथम पूज्य भाव से उल्लेख नहीं है। वंदे वाणी विनायक,
बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। वाणी की वंदना पहले, फिर विनायक की वंदना। वंदे वाणी विनायक हो, ये गणेश जी की वंदना पहले न करके सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती माता की वंदना पहले क्यों? सरस्वती माता की कृपा से ही तो यह बात समझ में आती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब यह समझ ही नहीं होगी तो हम प्रथम पूज्य मानेंगे कैसे? इसीलिए वीणा बादले बरदे, वीणा बादले बादले बरदे, वीणा बादले बरदे, वीणा बादले वीणा बादनी वरदे, वीणा बादनी वरदे, वीणा बादनी। प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भरदे, वीणा बादनी वीणा बादनी वीणा बादनी वरदे, वीणा बादनी वरदे, वीणा बादनी वीणा बादनी वरदे वरदे, वीणा बादनी भरदे, वीणा बादनी 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 वीणा वादिनी सरस्वती माता की वंदना। और तब श्री गणेश जी की वंदना, वंदे वाणी विनायकौ, गणेश जी की। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए। शंकर सुवन भवानी नंदन, भवानी नंदन, हे गाइए 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 गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। गणेश जी की वंदना। उसके बाद कहते हैं जब वाणी माता की वंदना हुई, विनायक जी की वंदना हुई, वंदे बोधमयम नित्यम, बोध विग्रह गुरुदेव के स्वरूप में श्री शंकर भगवान की वंदना। चंद्रमा टेढ़ा है, चंद्रमा कलंकी है, चंद्रमा घटने बढ़ने वाला है, और मानस में तो यहां तक का अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही,
पर भगवान शंकर ने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया। अब शंकर जी को जो प्रणाम करता है तो चंद्रमा को प्रणाम हो ही जाता है। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आप भी क्या टेढ़े से डरते हो, चंद्रमा से डरते हो? शिव जी बोले, डरने की बात नहीं, का फिर क्यों सिर पे बिठा रखा है? ये टेढ़े लोगों को सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। शिव जी ने कहा कि चंद्रमा चाहे टेढ़ा रहे, कलंकी रहे, घटने बढ़ने वाला रहे, लेकिन एक गुण है इसमें, क्या? ये भगवान के नाम से जुड़ा है। कोई श्री राम जी का नाम ले तो बोलता है श्री रामचंद्र, और श्री कृष्ण जी का नाम ले तो बोलता है श्री कृष्ण चंद्र का। ये चाहे कोई टेढ़ा रहे, कलंकी रहे, घटने बढ़ने वाला रहे, लेकिन अगर भगवान के नाम से जुड़ा है तो ऐसे को तो हम सिरोधार्य करते हैं, सिर पर स्वीकार करते हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनका आश्रय लेकर वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो गया, ऐसे गुरुदेव के रूप श्री शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। अब वंदना किसकी? भवानी शंकर वंदे, भवानी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, भवानी 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 शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, भवानी 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 शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता जगदम्बा भवानी माता और शंकर जी ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। जहां श्रद्धा होगी वहीं विश्वास होगा, और जहां विश्वास होगा वहीं श्रद्धा होगी। ये अलग अलग नहीं है, एक साथ रहने वाले हैं। कई बार बालक हैं उनसे कहा जाता है कि बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो। बालक कहते हैं कि हम तो श्रद्धा रखें पर बड़े भी तो हमारे प्रति विश्वास रखें। बड़ों को बालकों पर विश्वास नहीं, बालकों की बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं। ये एक साथ होते हैं, श्रद्धा और विश्वास। विश्वास में विचार नहीं किया जाता, विश्वास में विचार नहीं किया जाता। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। श्रद्धा है। अगर इन्होंने कहा है तो मेरे हित की बात ही कही होगी। और इस श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में स्थित परमात्मा को बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी देख नहीं पाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम।
अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्ध पुरुष भी देख नहीं पाते श्रद्धा और विश्वास के बिना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। आगे का सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह में विचरण करने वाले वंदनीय हैं कौन? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर से आशय है श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर से आशय है श्री हनुमान जी। वैसे श्री हनुमान जी कवीश्वर भी हैं कपीश्वर भी। वाल्मीकि जी जैसा कोई वक्ता नहीं और श्री हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। श्री सीताराम जी के गुण समूह के पुण्यारण्य में विहार करने वाले हैं ये। अब जानकी माता की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभा उद्भव स्थिति संहार कारणी। जो सृष्टि की उत्पत्ति में हेतु पालन में हेतु और प्रलय में हेतु ब्रह्मा जी सृष्टि को उद्भूत करते हैं तो ब्रह्मा जी में सृष्टि के सृजन की शक्ति देने वाली जानकी माता, भगवान विष्णु को पालन की शक्ति देने वाली जानकी माता और भगवान रुद्र को संहार की शक्ति देने वाली जानकी माता। उद्भव स्थिति संहार कारणी और क्लेशों का हरण करने वाली जानकी माता, सर्वश्रेयस्करीम सीताम, सारे श्रेयस्कर पदार्थों को प्रदान करने वाली। नतो हम राम बल्लभाम, श्री राम बल्लभा जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। भक्त लोग निश्चिंत होके गाते हैं, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की,
अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री का आगमन हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे परमादरणीय परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। पूज्य व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नौ दिवसीय ये दिव्य श्री राम कथा का समायोजन बड़े उत्साहपूर्वक आज से प्रारंभ हुआ है। पूज्य श्री महाराज जी दिव्य कथा रस का पान करा रहे हैं। मैं पहले कहा कि डोंगरे जी महाराज जिस समय श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए तैयार हुए बम्बई में, तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन बाद में महाराज ने कहा भाई यहाँ तो जो है श्री राम कथा पहले होना चाहिए। तो श्री राम कथा का आयोजन करने के बाद तब श्रीमद् भागवत कथा हुई। जीवन में भगवान का चरित्र, भगवान की मर्यादा हमारे जीवन में आवे तब वो धरातल तैयार होगा भगवान की दिव्य लीला भूमि में आकर के गोता रसपान करने का। बहुत बहुत स्वामी महाराज का स्वागत करते हैं। आइए दिव्य कथा रस में हम अवगाहन करें श्री व्यास जी महाराज के द्वारा। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। हम लोग तो महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए भजन गा रहे थे उसी को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें सारे, हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है, मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं न तो हम राम बल्लभान, श्री राम जी की बल्लभा श्री किशोरी जी की पद वंदना करते हैं। हमारे यहां तो यही कहा गया सियाजू को का जाने मति मन, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेण कौशल चंद। और इसीलिए श्री जानकी जी को जिसने जान लिया, सियाजू को जेजन जान चुके, तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके, जनक लली के पद कमल जबलग हृदय न भास, राम भ्रमर आवत नहीं तबलग ताके पास। श्री किशोरी जी की वंदना है और यही कारण है
कि भगवान श्री राम जी के चरित्र की जब बात कही तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरसहि राम सुजस वर वारी मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम जी का जो सुयस है वो श्रेष्ठ जल है, स्वाद में मधुर है, देखने में मन को हरण करने वाला है और कल्याणकारी है। किसी ने श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा कि बाबा, जब श्री राम जी के चरित्र रूपी जल में आपने सारे गुण बता दिए और अगर श्री किशोरी जी का स्वयस इसके साथ सम्मिलित कर दिया जाए तब क्या गुण होंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तब तो ये जल रह ही नहीं जाएगा। फिर का राम सी जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम, तब तो यह अमृत हो जाएगा। जो श्री राघवेंद्र के स्वयस को भी अपने स्वयस से जोड़कर अमृत बना देती हूँ, ऐसी श्री किशोरी जी की महिमा बड़ी अद्भुत। एक ने कहा कि राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा तो ऐसे लगा जैसे सीयमुख शशि भय नयन चकोरा। श्री किशोरी जी का मुख चंद्र और राम जी के नयन चकोर। लेकिन जब श्री जानकी जी ने देखा तो शरद शशि जनु चितव चकोरी, शरद पूर्णिमा के चंद्र को जैसे देखा हो। तो श्री अवध भाव वाले एक संत कहने लगे कि श्री तुलसीदास जी ने राम जी की महिमा यहां विशेष रूप से रखी। श्री जानकी जी का मुख केवल चंद्र और श्री राम जी का मुख शरद पूर्णिमा का चंद्र। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपके इस भाव को प्रणाम है, लेकिन एक बात यह तो सोचो कि श्री जानकी जी को देखा किसने, का श्री राम जी ने। और हमने कहा श्री राम जी को किसने देखा, का श्री किशोरी जी ने। हमने कहा यह तो देखने वाले की दृष्टि की महिमा है, यह तो श्री किशोरी जी की महिमा है। वे दृष्टि जहां डाल देती हैं वहीं पूर्णता प्रकट हो जाती है। भगवान को भी पूर्णता प्रदान करने वाली श्री जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज श्री को अभी यात्रा भी करनी है तो मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनकी बड़ी कृपा है और बहुत आशीर्वाद है और आज यह उपस्थिति इस भगवत कृपा का प्रमाण है। मैं महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और भगवत कथा के लिए उनसे मंगलमय आशीर्वाद की याचना। तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गिरा
जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम चंद्र भगवान की जय श्रीमद रामचरित मानस जू की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री रामायण जी महाराज जय की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज परम पवित्र श्रावणी पूर्णिमा की बेला में विलंब से ही सही लेकिन पूज्य श्री रामायणी जी का मंगलमय दर्शन एवं कुछ क्षण अत्यंत रसमयी कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त जैसे ही इस परिसर में प्रवेश किया तो उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम यह मंगलाचरण का छंद कान में पड़ा रोम रोम खिल गया। दास एक निवेदन करे भगवान श्री राम के अवतरण का प्रयोजन क्या है। गोस्वामी जी ने कह दिया इदमित्थम कह जाए ना सोई। इदमित्थम कोई नहीं कह सकता लेकिन रामायण के किसी प्रमुख पात्र की बात तो हमें माननी पड़ेगी और श्रीमद् रामायण के प्रधान पात्र श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए रामायण महामाला रत्नम बंदे नीलात्मजम श्री रामायण महामाला के रत्न हनुमान जी। माला में गुच्छा होता है लटकन होती है प्रधान होता उसमें भी मणि होती है तो वो महामणि जो है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी रामायण के ऐसे पात्र हैं
कि जब मेघनाद ने सबको मूर्छित कर दिया और विभीषण जी महाराज देख रहे हैं कि कौन इस समय चेतना में है, तो उन्होंने जामवंत जी को देखा कि वे चेतना में हैं। तो उनसे पूछा तो श्री जामवंत जी ने राम जी की कुशल नहीं पूछी, लक्ष्मण जी की कुशल नहीं पूछी, सुग्रीव जी की कुशल नहीं पूछी, युवराज अंगद की कुशल क्षेम नहीं पूछी, स्वयं विभीषण की कुशल क्षेम नहीं पूछी, केवल एक बात पूछी कि श्री हनुमान जी सुरक्षित तो हैं और ठीक ठाक हैं कि नहीं, हनुमान जी कुशल से हैं कि नहीं। तो विभीषण जी ने प्रतिप्रश्न किया, महाराज प्रभु श्री राम के विषय में पूछना चाहिए था, चलो उनके बारे में नहीं पूछा तो किष्किंधा नरेश बानर राज सुग्रीव जी के बारे में पूछना चाहिए था, अंगद के बारे में पूछना चाहिए था, किसी के बारे में नहीं पूछा, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वहां जामवंत जी ने उत्तर दिया है, एक हनुमान जी के सुरक्षित होने पर सब सुरक्षित हैं, हनुमान जी कुशल से हैं तो सब कुशल से हैं, और यदि हनुमान जी को कोई संकट आ गया तो कोई सुरक्षित नहीं। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, सरकार स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। शौर्य दक्षता बल धैर्य प्रज्ञता नीत निपुणता, लगता सारे सद्गुणों ने हनुमान जी को ही अपना निवास स्थान बना लिया, सारे सद्गुण हनुमान जी में रहते हैं। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। हनुमान जी का जैसा पराक्रम है ऐसा पराक्रम काल का नहीं है, इंद्र का नहीं है, न विष्णु हो, वाल्मीकि उत्तरकांड में स्वयं राम जी कह रहे न विष्णु हो, विष्णु का ऐसा पराक्रम नहीं है, कुबेर का ऐसा पराक्रम नहीं है जैसा पराक्रम हनुमान जी का है। आप हनुमान जी के चरित्र के बारे में सुनाइए, तो कहने का तात्पर्य है कि श्री रामायण के प्रधान प्रमुख पात्र श्री हनुमान जी, प्रधान पात्र श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी किशोरी जी तो हैं ही हैं, लेकिन यदि कोई प्रधान पात्र है जिसके बिना रामायण की कथा ही संभव न हो तो वो श्री हनुमंत लाल जी महाराज है। और वे हनुमान जी महाराज राम जी के अवतरण का प्रयोजन बता रहे हैं। राम जी के अवतरण का प्रयोजन क्या है? मर्त्यावतारस्त्व्य मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैव न केवलम् विभो। ये हम आपसे नहीं कह रहे महाराज जी, वो स्वयं रघुनाथ जी से कह रहे हैं, हे विभो, हे व्यापक परब्रह्म परमात्मन मेरे आराध्य इष्ट श्री राम, आपके अवतार का प्रयोजन मर्त्य शिक्षण है, मृत्यु लोक के मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये सिखाने के लिए आपने अवतार लिया है, राक्षसों के वध के लिए अवतार नहीं। राम जी ने कही कैसे कैसे थे राक्षसों के वध के लिए अवतार नहीं? बोले सरकार आप दो बार तो बोलते नहीं, एक ही बार बोलते हैं,
विश्रम नाभिसन धत्ते, दो बार बाण नहीं रखते धनुष पर, रामो दुर्नाभिभासते। तो आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में आपने कहा कि यदि विभीषण को शरण में लेने से सुग्रीव जी को अपने अपमान का अनुभव हो रहा है, और आप लोगों में भी कई लोग सोच रहे हैं कि पहले हमसे पूछा फिर हमारी बात नहीं माने तो हमारा अपमान हुआ भरी सभा में, और कहीं ये मन में आ रहा हो कि अब जब मन का ही करना है तो मन का कर लें, हम क्यों अपने प्राण दें, तो अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, आप सब जा सकते हैं वापस। हमें रावण से युद्ध करने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी वहां लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं, लक्ष्मण जी की भी सहायता की जरूरत नहीं, किसी की नहीं। अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर, मुझे धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है कि मैं धनुष की ओर देखूं, बाण को छूं, मैं अपनी उंगली ऐसी उठाऊंगा, ये भी नहीं कहते दाई की बाई, तर्जनी की कन्नी कनिष्ठिका, अपने दोनों कर कमल में से कोई एक उंगली ऐसे धीरे से उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के असुरों का विनाश हो जाए तो क्षण भर भी नहीं लगेगा, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये तो तुम लोगों को इस लीला में एक पात्र बनाकर तुम्हारी कीर्ति अक्षुण करने के लिए, तुम पर अनुग्रह करने के लिए तुमको निमित्त बना रहे हैं, तुम्हें सेवा में ले रहे हैं, तुम इस भूल में मत रहो। और गोस्वामी जी ने और सुंदर बात कह दी, बोले हमको उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। जग महू सखा निसाचर जेते, जग महू सखा निसाचर देखे, लक्ष्मण नहीं निमिष महू तेते, लक्ष्मण लक्ष्मण एक निमिष में उनको समाप्त कर सकते हैं, पलक गिरने में जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। राम जी का चरित्र मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, तो मनुष्यों की आचार संहिता सबसे पहले किसने बनाई, मनुष्यों की मानव जाति की सर्वप्रथम आचार संहिता के निर्माता राजर्षि श्री मनुजी महाराज हैं। मनुजी ने भगवान की प्रेरणा से मनुस्मृति तो बना दी, लेकिन मनुस्मृति की रचना करने के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मनुजी की वाणी को सत्य करके दिखावे, उसके अनुरूप आचरण करके दिखावे कोई मिला नहीं। लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि संविधान तो आपने बना दिया, लेकिन अक्षरशः इसको आत्मसात करने वाला, इसका पालन करने वाला तो कोई है ही नहीं। तब ऐसा ना हो कि कहीं लोग कहें कि ये केवल विचार की बातें हैं, ये क्रियात्मक रूप में अपनाने के योग्य नहीं है, कोई तो एक उदाहरण बनना चाहिए। तब उसी उदाहरण खोजने के लिए उन्होंने तप किया नैमिषारण्य में, और तप करके श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त किया और कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अरे बेटा तो घर में थे प्रियव्रत उत्तान पाद योग्य पुत्र, एक पुत्र इतना योग्य कि 7 दिन तक सूर्य बनकर प्रकाश किया, रथ के चक्र से पृथ्वी के 7 भाग कर दिए, 7 समुद्र बन गए, इतना प्रतापी, और दूसरा पुत्र उत्तानपाद क्या कहना जिसके पुत्र ध्रुव ये सारे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं सब चलायमान हैं, और ध्रुव जी उस पद पर विराजमान हैं जो अचल है। ध्रुव सगलान जपेउ हरि नामु पावा अचल अनुपम ठाउ।
दो बेटाएं स्वामी जी और तीन बेटियां हैं, भरा पूरा परिवार। फिर तो चाहू तुम ही समान सुत। प्रायः मनुष्य कामना वह करता है जो उसको जिसकी पूर्ति नहीं होती, और भरा पूरा परिवार नाती पोते वाला परिवार, फिर क्यों कह रहे चाहू तुम ही तुम समान सुत। वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने प्रेरणा करके जो मनुस्मृति की रचना कराई है, उस मनुस्मृति को अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए और कोई दूसरा व्यक्तित्व तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप ही अवतरित हो जाइए। सरकार अवतरित हुए मनुस्मृति को सत्य करने के लिए, और मनु महाराज के द्वारा कहे गए धर्म को अक्षरशः यदि किसी ने पालन किया है तो वे श्री रघुनाथ जी हैं। हमारे वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर जो है ना, उन्होंने समय के अनुरूप पालन किया है, एकदम अक्षरशः पालन नहीं किया, सब बातें नहीं मानी, उस समय की जो आवश्यकता थी जितना जरूरी था उतना माना, और जो नहीं जरूरी था उसको नहीं माना। जहां छल की आवश्यकता पड़ी वहां छल करने में भी ठाकुर जी चूके नहीं, जैसे को तैसा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। पर राम जी इन्होंने जीवन में छल किसी से किए, सरल स्वभाव छुवत छल, छल का स्पर्श ही नहीं है। अक्षरशः मनुस्मृति में कहे गए धर्म को पालन करके दिखाया, किंतु फिर भी राम जी का चरित्र वह चरित्र नहीं बन पाया जो इस सृष्टि का सर्वोच्च चरित्र होता। वो चरित्र बनाने का श्रेय श्री किशोरी जी को है। राम जी के इस चरित्र को, इस उदात्ततम चरित्र को सर्वोच्च स्थान प्रदान कराने का श्रेय श्री किशोरी जी को है। इसलिए सीतायाः चरितम् महत्। नतो हम राम बल्लभाम, राम बल्लभा के चरणों में प्रणाम है, जिन श्री राम बल्लभा के अनुग्रह के बिना राम जी का चरित्र भी उतना उदात्त नहीं हो पाया है? पूरा प्रयत्न करने पर भी। इसलिए महाराज जी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, किशोरी जी ने कहा के हे प्रियतम स्मारे त्वाम न शिक्षय, मैं आपको केवल याद दिला रही हूं, आप तो धर्म विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, हम आपसे क्या कहें, पर लगता है आप भूल गए हैं इसलिए स्मृति करा रही हूं। तीन दोष ऐसे हैं जो श्रेष्ठता के शिखर पर समासीन व्यक्तित्व को क्षण भर में नीचे गिरा देते। तीन दोष ऐसे, उनमें पहला दोष है असत्य भाषण, झूठ बोलना। एक बार हम झूठ बोल करके बात बना देंगे और दूसरी बार वो झूठ तो झूठ रहेगा, हजार कोशिश करो सत्य के द्वारा असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने की, लाख कोशिश करो अंत में झूठ झूठ ही रहेगा। और जब लोगों को ये हो जाएगा कि महाराज शपथ पूर्वक भी सत्य नहीं झूठ ही बोलते हैं, तो कभी हम धोखे से सत्य भी कहेंगे तो सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा, सत्य को भी झूठ ही माना जाएगा। इसलिए पहला दोष है असत्य भाषण। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी लौकिक हानि भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन परमार्थ उसका बिगड़ता नहीं है, परमार्थ सध जाता है। और फिर कुछ कठिनाई सहन करने के बाद जब लोगों में ये बात हो जाती है कि ये झूठ नहीं बोलते, तो उसकी तमाम समस्याओं का बिना किसी संकट के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी श्रम के, उसकी तमाम समस्याएं केवल सत्य के बल पर सुलझ जाती है। जो बात है सही सही कह दो, झूठ मत बोलो। स्वामी जी ट्रेन से आ रहे थे झांसी से, तो एक टीटी मिल गए, टिकट हमारे पास जो है वो रिजर्वेशन वाला टिकट तो नहीं था,
पैसा खरीदना चाहते थे, एक टीटी भगत मिल गए। उन्होंने कहा महाराज क्या खरीदना, हम चल रहे हैं ना आगरा तक, हमारी ड्यूटी तो है ही है, आगे हम टीटी को बोल देंगे आपको मथुरा में उतार देंगे। तो यद्यपि वह चोरी थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन टीटी के कहने में आकर के एक रिजर्वेशन वाले डिब्बा में चले जाएंगे, बैठ के चले, और वो तो कह के चला गया। वो बजाने टीटी भगवान जाने कहाँ गया, अपने कभी बिना टिकट कभी चले नहीं। मथुरा में जैसे ही उतरे तो अपराधी की तरह एक जगह खड़े थे, तो चोर को पुलिस वाले नज़र से ही पहचान लेते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि बिना टिकट है। अरे पंडित जी टिकट? हमने कहा टिकट नहीं है, चलो भीतर ऑफिस में चलो। एक थैला था, थैला लेके ऑफिस में चले गए। शायद रात्रि को 2:30 बज रहे होंगे, तो ऊंघ रहा था वो अधिकारी, उसने चश्मा उतार के रखा, हमारी तरफ ऐसे देखा, बोला कितना तिलक लगा के चोरी करते हो, सरकार की गवर्नमेंट की चोरी करते हो, भीतर कर दिया जाएगा। मैंने कहा चाहे भीतर करो चाहे बाहर करो, देखो हम सही बात बतावे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, यथा साध्य हम प्रयत्न करते हैं कि हम हमारी वाणी से झूठ न निकले। सही सही बात तो ये है कि हम बिना टिकट चलने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे किसी ने कहा और वो गलती थी हमारी, हमको टिकट लेकर के ही बैठना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती। अब आप अटपट भाषा तो बोलो मत, आप भीतर करो चाहे बाहर करो, जो करना हो सो कर दो, अपराध तो हमसे हो ही गया। इतना कह के हम चुप हो गए। एक क्षण मौन रहा, इसके बाद उसने हमको 50 रुपया दिए और नमस्कार किया, और जो पुलिस वाला लाया था उसको बोले जाओ इनको कहाँ जाना, पंडित जी हमको वृंदावन जाना, बोले इनको टेम्पू में बिठा के आओ। हमने अपने महाराज जी को सुनाई, महाराज जी बोले झूठ बोलते कि हम यहीं से चढ़े थे, यों त्यों कुछ करते तो झूठ रहता और भीतर और कर देता, लेकिन सत्य ने आपको बचा लिया। तो असत्य भाषण चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंचा हो, जो झूठ बोलेगा वो कभी न कभी नीचा जरूर देखेगा, नीचे गिरना पड़ेगा उसको। दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण, परस्त्री पर कुदृष्टि करने वाला, बराई बहु बेटी को अपवित्र दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति चाहे जितना ऊंचे चला जाए कभी न कभी नीचे देखना पड़ेगा उसको। तीसरा दोष है बिना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के क्रोध करना। तो किशोरी जी ने कहा सरकार दो दोस्त तो आप में नहीं है, पिता के सत्य को पूर्ण करने के लिए आपने अवध का सिंहासन त्याग दिया, और परदाराभिमर्षण तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। आप जिस भाव से कौशल्या का दर्शन करते हैं उसी भाव से अयोध्या की समस्त नागरियों का दर्शन करते हैं, ये भी आप में संभव नहीं है। लेकिन तीसरा दोष आप में आ गया, बिना बैर के क्रोध। राक्षसों ने क्या बिगाड़ा, आपने क्यों प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, क्यों आपने प्रणकीन हमसे पूछ लेते, हम गृहिणी हैं आपकी, सहधर्मचरी हैं, हमसे पूछ के प्रतिज्ञा करते। सरकार ने कहा देखो तुमने जो कहा उस विचार से हम संगत हैं, आपके विचारों का समादर करते हैं, लेकिन मेरी एक निष्ठा है। क्या है? बोले मेरी निष्ठा यह है कि अप्यहम जीवितम जहमी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम, लक्ष्मण के साथ सीते तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं, किंतु नतु प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता, इन ब्रह्मर्षियों की रक्षा की प्रतिज्ञा में नहीं त्याग सकता। बोले तब ठीक है, आप ब्राह्मण देव हो, आपने प्रतिज्ञा की उसको पूरा करो, लेकिन आपका चरित्र निष्कलंक रहे इसके लिए मैं रावण के यहां जाऊंगी। और श्री किशोरी जी ने अपने प्रतिबिंब को वहां निवास प्रदान करके राम जी की कीर्ति में जो कलंक लगने वाला था उस कलंक को नहीं लगने दिया। ऐसी नतो हम राम बल्लभाम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की है, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी की रसमयी वाणी से आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये श्री रामचरित मानस के रस सिद्ध वक्ता हैं, ऐसी रसमयी कथा। और सबसे बड़ी बात क्या है,
इतनी सरस सरल प्रांजल शैली है कि अत्यंत गंभीर से गंभीर विषय को हंसते हुए प्रस्तुत कर देना और हंसी हंसी में तत्व को सार को हृदयंगम कर देना, ये विशेषता पूज्य रामायण जी की है और उनके श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से और श्री किशोरी जी की विशेष कृपा करुणा से ही ये आप में ये योग्यता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं, ये राष्ट्र भाग्यशाली है आप जैसे सहज सरल संत की वाणी से सबको राम कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। क्या करें, मन तो हमारा भी खूब करता है पर इतनी व्यस्तता ऐसी है कि अभी हम यात्रा में ही चल रहे हैं सब संतों के साथ, तो अभी जयपुर पहुंचना है, आज कल से वहां सेवा है। भगवान से प्रार्थना करते कभी हमें भी ऐसा अवसर मिले कि हम रामायणी जी के सन्मुख बैठकर पूरे 9 दिन तक कथा श्रवण कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, मानस जी को साष्टांग वंदन करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम जय सीता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, जय सियाराम जय जय सियाराम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम बल्लभां, अभी हम लोग पूज्य महाराज श्री का दिव्य उपदेशामृत पान कर रहे थे। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, हमारी श्री जानकी माता की बड़ी निराली महिमा है। राम जी के चरित्र को भी समुज्ज्वल बना देने वाली श्री जानकी जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। आज रक्षोरी मोरी
भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोरे मिथिला के भिल थिल मोर हो मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिल मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिल इकट्ठे जाके करें क्या मेलों में, प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो, ये ठाटवाट तो देखो, आप संत हो पलंग पर सो रहे हो और जूते और गद्दा और रजाई और तकिया और क्या क्या है। कहने लगे चुप रहो, हम संत नहीं है। अच्छा संत नहीं हो तो फिर क्या हो? तो कहने लगे नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, जल का पात्र मिट्टी का। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम राम जी के साले हैं, पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि आपको और कोई रिश्ता नहीं मिला? राम जी के सखा हो जाते, सेवक हो जाते, दास हो जाते, आप तो राम जी के सार हो। प्रयागदास जी मुस्कुरा कर बोले कि हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं, है ना? पूरे संसार के सार हैं राम जी, या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमरी संसार को करे हम सारहु के सार। श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए तो राम जी अपना लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। राम बल्लभाम इसके बाद राम जी की वंदना। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिरण्यकश्यपुः। जिनकी माया के कारण असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति। पर केवल यहीं तक वंदना नहीं करते, इसके आगे कहते हैं यत् पादप प्लव, जिनके चरण जहाज हैं, एक में वही भवाम्भो धे स्तीर सा वताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, वे राम जी जिनका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण हैं, श्री राम नाम से जिनकी ख्याति है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। यहां वेदांत बोध की बात तो है, पर साथ में संयुक्त भक्ति है। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। स्वयं भगवान शंकराचार्य कहते हैं मणिरत्नमाला में, पहला श्लोक है, शिष्य पूछता है अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद। ये प्रश्न है, अपार संसार समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन के लिए सहारा क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका,
विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज, ये आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अंतिम पंक्ति बार बार आती है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, लेकिन एक दूसरी बात भी कहूं मैं आपसे। एक और तो शंकराचार्य जी कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और दूसरी ओर हमारे वैष्णव भक्तों के मंदिरों में जो गीत गाया जाता है वह भी श्री शंकराचार्य जी द्वारा लिखित, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। संपूर्ण शंकराचार्य को अगर हमें समझना है तो शिवोहम के साथ साथ अच्युतम केशवम राम नारायणम को भी समझना होगा। श्री तुलसीदास जी भी वेदांत परक बात कहने के बाद श्री राघवेंद्र के चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्वयं श्री हनुमान जी ने कहा, जानकी माता ने जब प्रभु का स्वरूप समझाया, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, का देह दृष्टि से मैं दास हूं, जीव दृष्टि से अंश हूं, आत्म दृष्टि से आपका रूप हूं। देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, वस्तु तस्तु तमेवा हम, इतिमे निश्चिता मति। श्री हनुमान जी कहते, और मुझे लगता है देह दृष्टि दास, जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म दृष्टि से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जी के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेश, यह भांति किंकर श्री सीताराम जी के हैं। जानकी से गाथा गाय जुरे जन जीवन ते, मन ते दासानुदास दास तुलसी के हैं। हमारे जीवन में रामचरितमानस की पूर्णता इस तरह प्रकट हो। भगवान श्री राम जी की वंदना, श्री जानकी जी की वंदना, फिर राम जी की वंदना, और फिर कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। ये पुराण निगम आगम, हमारे यहां पुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, निगम ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और आगम व्यवस्था प्रधान ग्रंथ है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस पहले पुराण है, अर्थात पुराण का भाग अधिक है, बीच में निगम है, ये ज्ञान का तत्व बीच में है, और आगम व्यवस्था का तत्व। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, जिसके द्वारा रामायण का निर्माण हुआ, क्वचित अन्योपि, कुछ और भी, और इसीलिए स्वांत सुखाय। श्री तुलसीदास जी से पूछा ग्रंथ क्यों लिखा गया, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, सबकी न कहो तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। इस तरह रामचरितमानस का प्रणयन जो पुराण निगम आगम से जोड़कर हमें भवसागर से पार ले जाता है, भगवान राम के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर हम भवसागर से पार हो सकते हैं। पर भगवान के चरण कमल जहाज हैं, यह प्रेरणा कहां से मिलती है, का भगवत कथा से, श्री राम कथा से। इसीलिए कहा गया भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, भवसागर चह
पार जो पावा भव सागर चहन पार जो पावा राम कथा ताका दणा ओ राम कथा ताका दणावा भव सागर चहन पार जो पावा भव सागर चहन पार जो पावा भव राम कथा ताका दृढ़ नावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। आज हम लोगों ने भगवान की मंगलमयी कथा के आरंभ के दिन यह पावन चर्चा श्रवण की। पूज्य संतों का आगमन हुआ और आप सब भक्तों का आगमन। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम। कल ठीक समय से कथा आरंभ होगी और आप सभी लोग पधारें। हमारे श्री विश्वनाथ जी पधारे हैं, वे भी कल पधारेंगे और आप सब संत भगवंत कृपा करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और भावना है। हम लोग नित्य कथा सुनेंगे 26 तारीख तक और आप लोगों को कल का आमंत्रण देते हुए नाम संकीर्तन करने। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय। नित्य सायंकालीन कथा 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी और ये जो कार्यक्रम चल रहा है राजेश्वरम ट्रस्ट के संयोजकत्व में और बड़े बड़े महापुरुष सब आ रहे हैं। सबसे निवेदन है, हमारे गुरुदेव महाराज कहते थे एक एक श्रोता 10-10 श्रोताओं को लावे ताकि और सबको लाभ मिले। और आप सब जानते हैं हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान श्री राम की कथा दिव्य कथा का ऐसा दान कर रहे हैं कि सब लोग अभिभूत हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रीत उत्पन्न कर रहे हैं। वृंदावन धाम में श्री राम कथा का आयोजन बहुत कम होता है लेकिन महाराज जी की बड़ी कृपा है, राधा रानी की बड़ी कृपा है कि यहाँ हम सबको घर बैठे भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने को मिल रही है। पुनः आपसे निवेदन, अधिक संख्या में आकर के भगवत कथा का आनंद लें, यही सबसे प्रार्थना। जय सिया राम जय श्री कृष्ण। अब आरती होगी, आरती के बाद आप लोग प्रस्थान करेंगे। पंखा बंद कर आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की सिंहासन सोय युगल सरकार परस पर हस हेरत हरवार मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल पलोटत पाए अंजनी लाल
निरख पद पंकज होत निहाल कतर गोराई धन्य सेवकाय पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जो ठाड़े भाव विभो लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवसु पावे शरण राजेश द्रवे अवदेश बोलिए जय हरी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की श्री सीताराम जी महाराज की जय। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं पात्रमध्यस्थं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जजनेन जज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः उलुसियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री अमने महारानी की जय श्री चौरासी कोश ब्रज मंडल धाम की जय सब संतन की जय सब हरि भक्तन की जय 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 श्री राधे।